मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नीलम गर्ग। आज हम बनाएंगे सोयाबीन की मसालेदार सब्जी। उसके लिए लिया हुआ है हमने 1.5 कप सोयाबीन लिया हुआ है, जिसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए पानी में भिगो के रखा हुआ है। इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया हुआ है, 1 टीस्पून नमक लिया हुआ है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया हुआ है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली हुई है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया हुआ है, 1/4 टीस्पून हींग लिया हुआ है, 1 टीस्पून जीरा लिया हुआ है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला लिया हुआ है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली हुई है, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हुए हैं जिनको हमने मिक्सी में पीस के रखा हुआ है, 1 बड़े साइज़ की प्याज ली हुई है जिसको हमने मोटा मोटा पीस के रखा हुआ है, 2 टेबल स्पून दही ली हुई है जिसको फैट के रखा हुआ है, 2 टेबल स्पून ऑयल लिया हुआ है, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली हुई है, 2 टेबल स्पून हरा धनिया लिया हुआ है। पानी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करेंगे। सभी सोयाबीन का हम एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और इनको अलग बाउल में निकाल लेंगे। सोयाबीन से सारा एक्स्ट्रा पानी हमने निकाल दिया है। अब हम एक पैन लेंगे और उसको गर्म कर लेंगे। 1/2 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे, हल्का सा हम इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, चलाते रहेंगे जिससे ना लगे और इनका कलर हल्का सा चेंज कर लेंगे। सोयाबीन का हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इनको अलग बाउल में निकाल लेंगे। सेम पैन लेंगे, गैस को ऑन कर देंगे और इसमें ऑयल ऐड कर लेंगे 2 टेबल स्पून। ऑयल को गर्म होने देंगे, अच्छे से फ्लेम को हाई कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, जीरा और हींग ऐड कर देंगे। फ्लेम को हमने लो कर दिया है और जीरे को हल्का सा गोल्डन होने देंगे। जीरा हमारा गोल्डन हो चुका है, अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को भी हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक भून लेंगे। फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देंगे। अनियन को हमने ट्रांसपेरेंट होने तक भून लिया है, अब हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर भी ऐड कर देंगे, धनिया पाउडर। सभी मसालों को अच्छे से भून लेंगे। सभी मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है, अब हम इसमें टमाटर प्यूरी ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला और कसूरी मेथी भी इसमें ऐड कर देंगे और हल्का सा पानी ऐड करेंगे 1/2 कप। मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कवर करके 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे, जिससे इसका मसाला अच्छे से पक जाए। मसाले को एक बार चेक कर लेंगे। मसाले से घी अलग हो चुका है, मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसका। मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्च ऐड कर देंगे, नमक, सोयाबीन ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसी अच्छे से मसाले में कोट हो जाए। हाफ कप पानी ऐड करेंगे, 1/2 कप हमने इसमें पहले यूज़ किया था। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसको कवर करके 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरीके से पका लेंगे, जिससे इसमें मसाले में अच्छे से कोट हो जाए। सब्जी को चेक कर लेंगे। सब्जी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, अब हम इसमें धनिया ऐड कर देंगे। थोड़ा धनिया गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे और हम सब्जी को सर्व करेंगे। सब्जी को हमने सर्व कर दिया है, धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे।
सोयाबीन की मसालेदार सब्जी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।